हेलो, तो कैसे हो आप लोग? एंड मैंने बहुत सारे तो नहीं, एक हिब्रू क्लास किया हुआ है एंड दूसरा मैं करने का सोच रही हूँ. तो हिब्रू इज इम्पॉर्टेंट और नॉट? इम्पॉर्टेंट है बट कंपलसरी नहीं है. अगर आपको आती है हिब्रू, जो न्यू कमर्स है उनको नहीं आती है, तो पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप तेल अवीव साइड में आ रहे हो तो हिब्रू का मैं बोल दूँ कि कोई ज़रूरत भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सारे इंग्लिश में बात करते हैं. एंड जो इसराइल में 8 ईयर्स 7 ईयर्स से है एंड वो अगर इंग्लिश फैमिली में काम करते तो उन्हें तो हिब्रू का एच भी नहीं आता है. ये बहुत ही मतलब लाइक मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रही हूँ. एंड फिर आपको हिब्रू कंपलसरी क्यों नहीं है? क्योंकि लाइक फैमिली में कोई ना कोई एक मेंबर तो इंग्लिश में बात करता ही है. एंड फिर लाइक आपको पता चल जाएगी, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको तो नहीं पता चलेगी कि वो इंग्लिश में बात करते हैं या नहीं, बट थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सबको आती है यहाँ पे. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हिब्रू कंपलसरी नहीं है. अगर आप लाइक अगर आप तेल अवीव एरिया हो गया या फिर हाइफा में भी बहुत सारी फैमिलीज है, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स है जो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे दिखा दूंगी एक दो एग्जांपल. तो मेरे पड़ोसी मतलब मेरे रूम के वो वाले साइड में, उसका इसराइल में 7 to 8 ईयर्स हुए लेकिन उसको हिब्रू नहीं आता है, वो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि उसकी जो एम्प्लॉयर है वो इंग्लिश में बात करती है. तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश भी बेसिक अगर आपको आता है तो ठीक है. क्योंकि न्यू कमर्स लोग पैनिक हो जाते हैं कि ओ भाई मुझे हिब्रू बोलना नहीं आता है, तो ये एकदम घबराने वाली बात नहीं. एंड और एक बात, यहाँ पे सिर्फ जूस लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे अरबी लोग भी रहते हैं. तो अगर आप अरबी के घर में काम करते हो तो आपको अरबी सीखनी पड़ेगी. एंड कितने सारे लैंग्वेज सीख के आओगे, तो इससे बेहतर कि आप पैनिक ना करो, आराम से आओ एंड यहाँ आने के बाद भी आप सीख सकते हो. बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको सीखना मतलब अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है सीखने की तो आप सीखो, बहुत यूजफुल होती है, बट कंपल्सरी नहीं है. एंड अगर आप अरबी घर जाते हो उन्हें तो हिब्रू आती होगी बट दे प्रीफर अरबी, तो वो लोग अरबी में बात करेंगे एंड आपको अरबी ही सीखनी पड़ेगी, तो हिब्रू आप नहीं सीख पाओगे वहां पे. बट यहाँ पे मेरे ही बेताबोत में मतलब मेरे ही ओल्ड एज होम में इतनी सारी मतलब केयर गिवर्स है जिसको हिब्रू का एच भी नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल वो फिलिपिनी आते हैं, मैं दिखा दूंगी, उनका एम्प्लॉयर पूरा इंग्लिश में बात करता है तो उनको हिब्रू सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड वो सीखेगी भी नहीं क्योंकि इंग्लिश में काम चल जाता है. इसीलिए तो यही सारी बातें हैं कि हिब्रू इतना कंपलसरी नहीं है. एंड अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे भी किसी ना किसी को आई जाती है इंग्लिश, एंड अगर नहीं आती है तो गूगल ट्रांसलेटर बहुत ही कामदायक होता है. यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, आई मीन टू से, क्योंकि आप गूगल ट्रांसलेट करके भी उनको समझा सकते हो एंड यहाँ पे तो सारे लोग पढ़े लिखे ही होते हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर आप मतलब लाइक मेरा जो पिछला काम था वहाँ पे तो मेरी दादी इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी इंग्लिश बोलती थी, एलिगेंट वाली इंग्लिश, मेरे से भी बेटर इंग्लिश बोलती थी वो. तो मतलब लाइक मेरे फ्रेंड्स को पता है कि वो कैसी थी, बट मैंने सीखा हिब्रू, मुझे आता है क्योंकि वो इंग्लिश में बात करती थी एंड हिब्रू भी उनको आता था. तो मैंने उसी मतलब लाइक इसको क्या बोलते हैं ऐसे करके मतलब लाइक मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी कि किसको क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने सीख लिया हिब्रू. वरना मुझे भी कम्युनिकेशन जो हम लोगों का होता था हम लोग इंग्लिश में ही करते थे. एंड ये वाली दादी को भी इंग्लिश आती है, मेरी वाली दादी को इंग्लिश, उनको भी एकदम एलिगेंट वाली तो नहीं आती है लेकिन आती है उनको इंग्लिश, बट फिर भी मैं हिब्रू में बात करती हूँ ताकि मुझे सीखने का मौका मिले एंड मैं कुछ सीखूँ इसीलिए. बट ऐसा कंपलसरी नहीं है मेरे केस में भी कि मैं हिब्रू में बात करूँ. बट आप लोग जो घबरा जाते हो कि हाँ भाई हिब्रू सीखनी पड़ेगी, हाँ सीख अगर आप सीखोगे तो वो अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि भाई आपको हिब्रू आना है वरना आपको काम से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है. जो न्यू कमर्स आते हैं उनको हिब्रू कहाँ से आएगी, तो वो लोग सीख सकते हैं. ये नहीं बोल रहे हो कि आपको कंपलसरी नहीं है, तो सीखना ही नहीं है, आप सीख सकते हो. लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि कंपलसरी मतलब लाइक एक होता है ना कि अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है. आप सीख सकते हो, पेशेंसली हैंडल करो अपने एम्प्लॉयर को, फिर उसके बाद आप सीख लेना. बट यही है कि जो फर्स्ट में आते हैं, ओ भाई मुझे तो नहीं आता है, अब मेरा क्या होगा, शायद से ये लोग मुझे काम से तो नहीं निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है, वो लोग नहीं निकालेंगे, सीखने का मौका देंगे, आप सीख जाना उस टाइम पीरियड में. तो चलो पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मतलब लाइक थोड़ा बहुत जो न्यू कमर्स है वो पैनिक ना हो जाए, तो मैं दिखा दूँ कि कितने लोगों को यहाँ पे हिब्रू नहीं आता है. बट आप देख लो 5 साल 6 साल से तो काम कर ही रहे,
तो मैं दिखा दूंगी आपको, जस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए आप लोगों को, एंड अगर आप उनके मुंह से सुनोगे तो थोड़ा बहुत रिलैक्स भी हो जाओगे, इसलिए मैं जाके दिखा दूंगी। तो ये देखो हमारे ओल्ड एज होम में बाजार है, एंड यहाँ पे चेची है, से हाय। हाय विद्या, यस, डू यू नो हिब्रू? आई डोंट नो। व्हाई? बिकॉज़ माय एम्प्लॉयर स्पीक इंग्लिश और गुड इंग्लिश। एंड यू नो हिब्रू? नो आई डोंट नो। व्हाई यू डिडंट लर्न? बिकॉज़ शी ऑलवेज शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, शी इज फ्रॉम इंग्लैंड। रियली? व्हाई यू डोंट स्पीक? बिकॉज़ माय एम्प्लॉयर स्पीक इंग्लिश। How many years with you with Leia? 5 years. 5 years. Since 5 years you didn't learn Hebrew. I don't know. Why? Because every time I use English. Because Leia speaks good English. Where is Leia from? England. In Europe. Europe. England. No. Chechi, talk with your employer in English, so they will know. चेची भाग गई। आते, टेल मी यू नो हिब्रू? नो। व्हाई? बिकॉज़ माय एम्प्लॉयर डजंट स्पीक इन हिब्रू, दे स्पीक इन इंग्लिश। हाउ मेनी इयर्स यू आर हियर विथ हर? 11 मंथ्स। बट आल्सो यू डिडंट लर्न हिब्रू बिकॉज़ इट्स नो नीडेड। आई डोंट नीड इट बिकॉज़ आई एम नॉट गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग। No, not that's the reason. The reason is your employer doesn't speak. They speak Hebrew, but not that much. I know, I don't know, they are pretending. Why should I? Do you speak Hebrew? No. Why? I don't know how to speak Hebrew. Why? I only speak a little. But why? I don't want to learn Hebrew. So what do you think? Hebrew is not so compulsory? No. Because English can work. Can I use sign language also? Ah. Tungli. Bishtot. And you like it. These are the things you can do it without Hebrew. Without Hebrew. You can speak with the sign language, yes, also. So I'm back. एंड जैसे कि आपने देखा कि मतलब दो तीन लोगों का ही मैं कर पाई, क्योंकि सब एक साथ नहीं आते हैं। मैंने पहले ही बताया सबका टाइमिंग अलग अलग होता है, बट आपने देखा होगा, सुना होगा उन लोगों का एक्सपीरियंस। ज़रूरी नहीं है हिब्रू बोलना, बट अगर आप सीखने के आपके पास मतलब लाइक आप अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए तो आप सीख सकते हो, बट इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको बोलना ही है। भाई नहीं बोलोगे तो भाई काम नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। आप सीख लेना बाद में, बट आपने देखा उसका यहाँ पे 5-6 इयर्स हो गया, बट उसे इतनी हिब्रू नहीं आती है। बेसिक कहीं बोल लेती है, बट विद एम्प्लॉयर वो हमेशा ही इंग्लिश में बात करती है, क्योंकि इंग्लिश में कम्फर्ट जोन रहता है एंड अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाते हैं हम लोग, इसीलिए इंग्लिश में बात करते हैं। बट फिर से एक बार बोलना चाहूंगी, अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख लेना, बट वही है कि कितने सारे आपने देखा ही होगा नहीं आता है उन लोगों को, बट देखो काम तो चल ही रहा है और वो लोग काम भी कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स जो होते एंड जो मतलब एक सिटीज एरिया में जो रहते हैं ना, वो लोग तो इंग्लिश 100% ही बात करते, 100% लोग ही इंग्लिश में बात करते। तो आप लोग ऐसे पैनिक मत होना, क्योंकि वहाँ अगर आपका तेल अविव में जॉब लगता है तो आप हिब्रू नहीं सीखोगे, क्योंकि वहाँ पे सब एलिगेंट एलीट्स लोग होते हैं ना, कि बोलते हैं ना कि साउथ दिल्ली वाले, तो वहाँ पे सब एलिगेंट एलीट लोग रहते हैं, तो वहाँ पे सब अमेरिका उसके फैमिली मेंबर भी सब अमेरिका में ही होंगे, तो यूएसए अमेरिका ये सब जगहों पे, जर्मनी, तो ये सब एरिया में होंगे वो लोग, एंड उनकी फैमिली भी सारी इंग्लिश में बात करती है। ये वाली को भी नहीं आता है शायद, ये जो मेरी पड़ोसी है इसको भी नहीं आता है शायद, क्योंकि इसकी वाली भी इंग्लिश में बात करती है, एंड बहुत सारे एम्प्लॉयर्स है जो इंग्लिश में बात करते हैं, इसलिए आपको कम्युनिकेट करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। एंड अरबी का तो मैंने बता ही दिया, अगर आप अरबी फैमिली में हो तो कोई कोई अरबी इंग्लिश में भी बात करते हैं, कोई कोई नहीं करते होंगे, बट मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने कभी अरबी फैमिली में काम नहीं किया है। नॉट बिकॉज मुझे
मतलब लाइक मेरा वो एरिया कभी पड़ा ही नहीं एंड मुझे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि मुझे पहले मैंने पहले भी जूस में किया फिर उसके बाद भी जूस में किया एंड अभी भी जूस में कर रही हूँ एंड फर्दर मी आई प्रिफर टू वर्क इन जूस फैमिली क्योंकि अभी मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे मतलब लाइक वो कर रही हूँ बट जब मैंने हिब्रू सीख लिया है एंड आई कैन स्पीक हिब्रू तो मैं ऑब्वियसली हिब्रू बोलने के पास ही जाऊँगी मैं अरबी के पास तो नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे अरबी का ए भी नहीं आता है तो मुझे फिर से नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा इसीलिए मैं बोल रही हूँ वरना ऐसी वैसी कोई बात नहीं है क्योंकि मेरा हिब्रू ऑलरेडी अच्छा है मतलब अच्छा नहीं है बट मैं बोल लेती हूँ तो इसलिए हिब्रू मेरा ऑलरेडी अच्छा है तो मैं ऑब्वियसली जूस के पास करूंगी एंड मैंने जितने भी जगह काम किया सबको इंग्लिश आती थी पहले पहले वाले को भी आती थी अभी वाले को भी आती है एंड फर्दर भी आई प्रिफर कि उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आए क्योंकि मेरा भी हिब्रू इतना परफेक्ट तो नहीं है बट वही है कि हाँ बोल लेती हूँ काम चलाओ तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ एंड आप लोग पैनिक मत होना आपको काम से कोई नहीं निकालेगा सीख लेना आने के बाद तो यही है बाय गाइज सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग